मकसद, रिटन बाय भरत दाज। दुनिया में सबका कोई ना कोई मकसद होता है। आदि भी निकल चुका है अपना मकसद पूरा करने। क्या है उसका मकसद? क्या वो खुद अपना मकसद पूरा कर पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए मकसद। रात का समय था, एक अंधेरी गली में कोई जा रहा था, शायद किसी की तलाश में। गली एकदम सुनसान थी। कुछ दूर पर दो बड़े लड़के शराब की बोतल हाथ में लिए आ रहे थे। उस आदमी ने उन्हें फोन में एक तस्वीर दिखाकर पूछा, कहाँ मिलेगा ये? लड़कों ने सामने की गली में इशारा कर दिया। आदमी सीधा चला गया। गली के अंदर एक क्लब जैसे जगह थी, जिसमें एक गैर कानूनी बॉक्सिंग मैच चल रहा था। गैर कानूनी इसीलिए क्योंकि यहाँ जुए की तरह पैसे लगाए जा रहे थे दोनों खिलाड़ियों पर, और बार बार कहा जा रहा था रिस्की है, पुलिस का डर है, कीमत बढ़ गई है और पता नहीं क्या क्या। वो आदमी भी वहां की भीड़ में आ चुका था और बॉक्सिंग रिंग में उसे वो भी दिखा जिसे वो ढूंढ रहा था। सब लोग आदि आदि बोलकर उसे चीयर कर रहे थे क्योंकि उनका नाम था ये शायद। फिर थोड़ी सी देर में ही उस लड़के ने सामने वाले खिलाड़ी को धूल चका दी और रिंग से बाहर निकलकर पैसे लिए और उन्हें गिनते हुए आगे बढ़ने लगा। लेकिन तभी सामने वो लड़का आ गया जो उसे ढूंढ रहा था। बिल्कुल सही समझे आप, वो आदमी दरअसल आदमी नहीं, एक 25-26 साल का लड़का था। दोनों लड़के की उम्र एक सी ही थी। सामने उसे देखकर उस लड़के ने कोई रिएक्शन नहीं दिया और आगे चलने लगा। सामने पर एक टेबल के पास पड़ी चेयर पर बैठ गया। दूसरे लड़के ने भी वही डेरा डाल दिया। क्यों आया है तू यहाँ? आदि ने पूछा। काम है तुझसे कुछ, सामने वाले ने कहा। अच्छा, वैसे आज एक कानून के रखवाले को मुझसे एक कानून तोड़ने वाले से क्या काम पड़ गया? आदि ने कहा। काम थोड़ा टेढ़ा है, सामने वाले ने कहा। मैं कौन सा सीधा हूँ? आदि ने उसे देखते हुए कहा। जानता हूँ इसीलिए तेरे पास, सामने वाले ने इतना ही कहा था कि आदि बोल पड़ा। खैर, अब तो आ ही गया है तो काम भी बता ही दे। यहाँ बात करना ठीक नहीं है, बाहर चलकर बात करें, सामने वाले ने पूछा। और फिर दोनों उठकर बाहर चलने लगे और कुछ ही दूर उस लड़के की गाड़ी खड़ी थी, उसमें बैठकर दोनों बात करते हुए आगे बढ़ने लगे। किसी को लाना है यहाँ, सामने वाले ने कहा। किसको? आदि ने नोट गिनते हुए पूछा। एक लड़की को, सामने वाले ने कहा। ये सुनते ही आदि अपनी गिनती पर रुक गया और आंखें बड़ी करके सामने वाले को देखने लगा। इस काम के लिए आए हो मेरे पास? आदि ने पूछा। क्यों, क्या तुम ये काम कर नहीं सकते? सामने वाले ने कहा। मतलब क्या है तुम्हारा? अब मैं यही काम करूंगा? आदि ने इस बार गुस्से से कहा। सामने वाले ने कोई जवाब नहीं दिया, बस एक नंबर पर कॉल लगाई और बात करो कहकर फोन आदि की तरफ दे दिया। आदि ने फोन कान पर लगा लिया और बिना कुछ बोले ही फोन सुने जा रहा था। फोन कट गया। फिर फोन सामने वाले को वापस कर दिया। अब बोलो क्या कहते हो? सामने वाले ने कहा। एक बात बता, इस मामूली से काम के लिए तुम्हें मेरी जरूरत क्यों है? आदि ने पूछा। तुम्हें ये काम इतना मामूली लग रहा है? सामने वाले लड़के ने पूछा। मामूली नहीं है तो क्या, ये इतना मुश्किल है कि मेरे अलावा कोई और कर ही नहीं पाए, आदि ने कहा। मेरी बात छोड़ो, मुझे तो लगता है कि तुम भी कुछ न कर पाओ शायद, सामने वाले ने कहा। ये सुनते ही आदि ने गिनती रोक ली और आंखें ऊपर करते हुए पूछा, फिर आए क्यों हो मेरे पास? क्या करूं, उसे तुम पर कुछ ज्यादा ही भरोसा है, सामने वाले ने कहा। जानता हूँ और इसीलिए तुझसे बात कर रहा हूँ अब तक, वरना तो पता ही है, आदि ने कहा। देख,
तू चाहे तो मना कर सकता है, मैं समझा दूंगा उसे, कोई बड़ी बात नहीं है। डर सबको लगता है, सामने वाले ने उसे चिराने को लहजे में कहा। मैं ना करूंगा वो भी इस काम से डर कर, ये बता इस काम में पैसा है ही क्या? तू जानता है मैं पहले इससे बड़े बड़े काम कर चुका हूँ, आदि ने कहा। ये काम अलग है उनसे, सामने वाले ने कहा। क्यों, ऐसा क्या खास है इस काम में? आदि ने पूछा। इस लड़की को हाथ लगाते ही तू सिर्फ कानून का ही मुजरिम नहीं बनेगा, बल्कि और भी बहुत बड़ी नामी गिरामी हस्तियों भी तुझे छोड़ेंगी नहीं, सामने वाले ने कहा। मतलब पूरी बात बता, अगर काम करवाना चाहते हैं तो, आदि ने कहा। तो ध्यान से सुन, जिस लड़की को तुझे लाना है उसका बाप पहले पुलिस में था, अब रिटायर हो चुका है, पर बहुत इज्जत है उसके डिपार्टमेंट में। दूसरी बात, उस लड़की की शादी वहाँ के एमएलए के साथ हो रही है, ऊपर से लड़की की बहन पुलिस अफसर है, तो समझ जा कितने लोग तेरे दुश्मन बनेंगे, सामने वाले ने बता दिया। और कुछ, आदि ने पूछा। और तो कुछ नहीं, बस तुझे जाना है और लड़की को लाना है, सामने वाले ने कहा। लड़की कौन है, आदि ने पूछा। वो तो तुझे वहां जाकर ही पता चलेगा, बस अब तू निकल कल ही। और हाँ एक बात और, जब तू ये काम करेगा तो तेरी पहचान बाहर नहीं आना चाहिए। वो क्या है कि तू पकड़ा गया तो मैं और वो भी मुसीबत में आ सकते हैं, सामने वाले ने कहा। उसका तो पता नहीं, पर तू जरूर मुसीबत में आएगा, आदि ने कहा। तू कहना क्या चाहता है, सामने वाले ने पूछा। यही कि मैं अगर पकड़ा गया तो, तू कहना क्या चाहते हैं, सामने वाले ने पूछा। यही कि मैं अगर पकड़ा गया तो सबसे पहले तेरा नाम लूंगा, आदि ने चिढ़ते हुए कहा। मैं जानता हूँ ऐसा कुछ नहीं होगा, तू कभी भी पकड़ा नहीं जाएगा, सामने वाले ने मुस्कुराकर कहा। पहली बार किसी पुलिस अफसर को मुजरिम पर इतना भरोसा करते देख रहा हूँ, प्रतीक साहब, आदि ने कहा। सामने वाले ने मतलब कि प्रतीक ने इस पर कोई खास प्रतिक्रिया नहीं दी, बस मुस्कुरा दिया। आदि ने अपने काम की कीमत पूछी। मिल जाएगी, तू बस काम कर, काम पर फोकस कर, इतना कहकर उसने गाड़ी रोक दी और आदि उतर गया। जाते जाते प्रतीक ने उससे सुबह को मिलकर बाकी प्लानिंग करने को कहा। आदि अपने घर आ चुका था, लेकिन उसके दिमाग को कुछ परेशान कर रहा था। वो क्या था, ये काम का डर था या कुछ और, पता नहीं, लेकिन आदि डिसाइड कर चुका था कि ये काम वो जरूर करेगा। इसी उधरबुन में उसकी आंख लग गई और सुबह 9 बजे जब आंख खुली तो प्रतीक उसके सामने था। तो अंदर कैसे आया, बंद दरवाजे से? क्यों, अंदर के सिर्फ दरवाजे से आ सकता है? ये सुनते ही उसकी नजर खिड़की पर गई जो कि खुली हुई थी और वो समझ गया। आदि जैसे ही बैठा, प्रतीक ने अपने हाथ में पकड़ी कॉफी उसे दे दी। आदि ने कॉफी का एक घूंट पिया और कहा, चल तुझे कॉफी बनानी तो आ गई है, अब बोल मुझे जाना कहाँ है? भोपाल। चल ठीक है, फिर निकल जाता हूँ मैं। जाने से पहले एक बात सुन, अभी प्रतीक ने इतना ही कहा था कि आदि ने बोला, जानता हूँ अपने फोन से तुझे फोन नहीं करूंगा, कोई होशियार भी नहीं ले जाऊंगा, कोई हथियार भी नहीं ले जाऊंगा। और एक बात, मामला दूसरी स्टेट का है, किसी के पकड़ में मत आना, वरना बात मेरे हाथ से निकल जाएगी। और कुछ, हाँ सबसे जरूरी बात, लड़की को कुछ नहीं होना चाहिए। ये बात सुनकर आदि का गुस्सा आ गया और बोला, तेरा मतलब क्या है? मेरा मतलब सिर्फ इतना है कि वो लोग तुझे पकड़ने के चक्कर में उस लड़की को भी चोट पहुंचा सकते हैं। इतना कहकर उसने आदि को रेल टिकट दी, जो ट्रेन उसे 1 घंटे बाद पकड़नी थी। आदि झटपट तैयारी में लग गया, जैसे पता नहीं कितने जरूरी काम पर जाना है, लेकिन उसके लिए तो शायद रुपये सब कुछ थे, और इसलिए वो एक
ऐसा काम करने को जा रहा था जो किसी शरीफ शरीफ इंसान को शोभा नहीं देता। सब तैयारी के बाद वो स्टेशन पर पहुंचा। वह पहले से ही प्रतीक उसका इंतजार कर रहा था। आते ही आदि ने कहा, बात करनी है मुझे। प्रतीक ने कहा, उसे भी। और इतना कहकर उसने फोन आदि की तरफ बढ़ा दिया। आदि नंबर लगाकर एक तरफ खड़े होकर बात करने लगा और प्रतीक उसे देख रहा था। थोड़ी चिंता थी शायद उसकी आंखों में। आदि ने फोन प्रतीक को दिया और खुद गाड़ी में चढ़ गया। अभी ट्रेन चली नहीं थी, आदि दरवाजे में ही खड़ा था। उसने प्रतीक से कहा, कल रात के बारे में तुमने उसे क्या बताया? प्रतीक, जो सच था वही बताया। ये तो तू भी जानता है कि कल जिस तरह तू लड़ रहा था वो गैर कानूनी है। आदि, तू मुझे कानून मत सिखा और मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में उससे कुछ भी बताने का जरूरत नहीं। प्रतीक, तेरी पर्सनल लाइफ? आदि चुप हो गया। ट्रेन चल पड़ी। ट्रेन जब स्टेशन से दूर जा रही थी तो प्रतीक का फोन बजा। उसने फोन पिक किया और बोला, वो चला गया। ये कहकर उसने फोन रख लिया और मन में कहा, तुम नहीं जानते आदि, वहां सिर्फ खतरा ही नहीं, कुछ और भी है जो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। और कुछ ही देर में दूर आंखों से ओझल भी हो गई। पता नहीं भोपाल में खतरे के साथ और क्या मिलेगा आदि को। देखते हैं पहले वो पहुंच तो जाए। देखना तो यह भी है कि प्रतीक जो कि पुलिस अफसर है वो ऐसा काम क्यों करवा रहा है, वो भी एक मुजरिम से। अब यह सब तो अगले भाग में ही पता चलेगा। थैंक यू।